Politics of violence in Pakistan. In this session, we are going to discuss the politics of violence with special reference to Pakistan because politics of violence has been endemic in Pakistan. But the scale, scope, and geographical distribution of the problem has not been systematically studied. Ke, बारहाँ ऐसे इवेंट्स ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें वायलेंस इन्वॉल्व थी लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस इशू को इन डेप्थ स्टडी किया जाए ख़ास पर एकेडमिक सर्कल्स की तरफ से ताकि उसकी रूट कॉजि को अंडरस्टैंड किया जा सके तो ऑन द पॉलिसी साइड डिसीजन मेकर्स लैक क्रेडिबल क्वानिटेटिव डेटा विद विच टू वे द रलेटि कॉस्ट ऑफ पोलिटिकल मोटिवेटेड वायलेंस अगेंस्ट द मैनी अदर चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान अब अगर यहाँ ये समझ लिया जाए कि जो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान का टॉपिक है इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्सट है जहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्सट में वायलेंस कब इन्वॉल्व हुई उसका आउटकम क्या हुआ ऐसा कोई डेटा जिसके लिए बाकायदा डिसीजन मेकरस उसको ढूंढते उसको तलाश करते ताकि कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग होती कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे वाक़ात दोबारा रूनमा ना हो लेकिन उस पर ना तो एकेडमिक सर्कल्स की तरफ से कोई बाकायदा रिसर्च हुई और ना ही कोई ऐसा डेटा हमें अवेलेबल नज़र आता है जिसकी बेस पर कोई प्रॉपर फाइंडिंग्स जो हैं वो ड्रा की जा सकें सो इशूज़ आर देयर टू असेस द रोल ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट तो नो वन कैन डीनाई द प्रजेंस ऑफ द इशूज़ सो देर आर समि रेलिवेंट इशोज़ लाइक द लिंक बिटवीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वायलेंस अब कोर जो पॉलिसी इशूज़ हैं वो हमें सबसे पहले समझना है कि एक तो वो वायलेंस है जो पोलिटिकल इशूज़ के साथ रिलेडेड रिलेटेड है ख़ास तौर पर एलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दिनों में इलेक्शंस के दौरान कितनी किलिंग्स हुई हैं कितनी वायलेंस के वाक़ हुए हैं इन सब को देखा जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्लास सिस्टम भी है बहुत से एंटिटीज़ uh, और आइडेंटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं सो ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कम्पेन जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो वायलेंस के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं देन वायलेंस अफेक्ट इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैन देर इज़ एन ईशू कि जो वायलेंस की वजह से बाजा अकात एहतजाज की वजह से बाजा अवत तशद की वजह से स्ट्राइक्स होती हैं कारोबार रुक जाते हैं काम रुक जाते हैं इन सब को भी देखा जाना जो है वो चाहिए है दैन पब्लिक ओपिनियन रिस्पॉन्ड्स टू मिलिटेंट वायलेंस तब पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया कि बाकायदा तौर पर जो मिलिटेंट वायलेंस है उसने भी एक शक्ल की यानी एक तो वो थी जब सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पर कुछ सोशल इश्यूज पर वायलेंस होती थी लेकिन फिर जब बाकायदा मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से वायलेंस पाकिस्तान में आई है तो इसको भी एक इम्पॉर्टेंट इशू के तौर पर अंडरस्टैंड किया जाना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एंड इम्पॉटेंट है दैन पोलिटिकल स्ट्रेटजीज लाइक नॉर्मल पोलिटिकल कंटेस्टेशन वायलेंस एंड दैन एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेस कुछ जो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी बाकायदा तौर पर हमत अमली के साथ कभी कभी वायलेंस के एटीट्यूड्स को ऑप्ट करती हैं और ऐसे इवेंट्स को भी साथ लेकर चलती हैं महतजाज के अंदर आ, स्टेट मशीनरी के खिलाफ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व हो जाए लोगों के ऊपर शेलिंग हो लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो या और बहुत सारे टैक्टिक्स, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए लेकिन सम टाइम्स सम ऑर्गेनाइजेशंस दे डेलीबरेटली यूज दिस स्टाइल ऑफ वायलेंस जहाँ स्टेट जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़े देन देर आर फोर की पैटर्न इन पाकिस्तान पैटर्न ऑफ वायलेंस स्पेसिफिकली एट

the uh, politics of violence in pakistan. then uh, there are some national anti-state uh, campaigns in some areas of pakistan, specifically after the lal masjid incident, a generation has been created. juba involved involves. pakistan ki society can there overall, a response or reaction to politics of violence. then janam liya. response or reaction. सोशल इनजस्टिस के खिलाफ भी इकनॉमिक इश्यूज के खिलाफ भी है और समटाइम्स ये स्टेट की अथॉरटीज़ के ख़िलाफ़ भी एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में वी कैन अंडरस्टैंड